हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोरियन ब्यूटी फिलोसॉफी की एक सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सा बेस है कि रिस्पेक्ट योर स्किन। आपकी स्किन जैसे रहना चाहती है उसे वैसे रहने दीजिए, उसके मेटाबॉलिज्म को हेल्प कीजिए, उसको रिस्क मत कीजिए। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये रेमेडी लेकर आई हूँ। कोरियन ग्लास स्किन के जितने भी स्टेप हैं उसको नेचुरल रेमेडी के तहत इंडियन स्किन कैसे यूज़ कर सकती हैं, बस वही फॉर्मूला निजात किया है। बस आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, समझनी है, और जब आपको समझ में आ जाए कि भाई ये तो कमाल है मेरे स्किन के लिए, तो ट्राई करना है। तो आइए जानते हैं हमें करना क्या है। कोरियन स्किन जो होती है वो कितनी सुंदर होती है, जितने लोगों को देखो सभी की स्किन कमाल की होती है। इसलिए मैंने सोचा इनका जो बेसिक प्रोसीजर है, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको मैंने अपने लिए भी ट्राई किया है और मैं तो रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। इस प्रोसेस को करने के बाद बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमारी स्किन कोरियन जैसी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, हमारी स्किन हमारी ही स्किन का बेस्ट वर्जन बन जाएगी। दैट्स इट, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, किसी भी स्टेप की तरह ये भी क्लेंजिंग करते हैं, लेकिन इनके क्लेंजिंग में बहुत ही प्यारा स्टेप होता है, वो है ऑयल क्लेंजर। मार्केट में इतने सारे ऑयल क्लेंजर अवेलेबल हैं, लेकिन हम घर पर ही इस ऑयल क्लेंजर को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए 5 से 7 बूंद ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, और आपको चाहिए 5 से 7 बूंद कैस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। दोनों ही नॉन कॉमेडोजेनिक होते हैं और दोनों ही स्किन के ऑयल के बहुत पास होते हैं। हमारे स्किन से जो ऑयल निकलता है वो और ये दोनों ऑयल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दोनों ऑयल को अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और मसाज कीजिए, जिससे कि आपके स्किन में जितनी भी डस्ट डर्ट है वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। आपके स्किन के एक एक पोर्स अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। इस ऑयल से आपको 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद कॉटन को गर्म पानी में डिप करके उसको क्लीन करना है। अब हमारे अगले स्टेप के लिए हमें लेना है 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इसमें आपको कच्चा दूध मिलाना है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए। ये आँखों के ऊपर और नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे आपको सुखाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वेट कीजिए और फिर हल्के हाथों से 1 मिनट मसाज करके वाइप ऑफ कर लीजिए। वेरी सिंपल। हमारा थर्ड स्टेप है टोनिंग। इसके लिए आपको लेना है दही के ऊपर जो पानी होता है, वो पानी हमारे स्किन के पीएच को एग्जैक्टली वही ले आता है। इसके लिए आपको लेना है दही के ऊपर जो पानी होता है वो, ये पानी हमारे स्किन के पीएच को एग्जैक्टली वही ले आता है जो हमें चाहिए होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो सभी को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। ये पानी आपको ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगाना है, आँखों के ऊपर नीचे भी लगाना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको आलमंड ऑयल लेकर आपके आँखों के ऊपर नीचे लगाना है। ये दही का पानी आपके स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कॉटन नैपकिन या वाइप स्पॉन्ज की मदद से इसे क्लीन कर लेना है। इसके बाद हमारे स्किन को चाहिए सीरम, तो सीरम के लिए आपको लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हाइलोरोनिक एसिड फैमिली को बिलोंग करता है, जो हमारे स्किन को बहुत हाइड्रेशन देता है। ये चिपचिपा होता है, इसलिए अकेले इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं। इसमें आपने मिलाना है 1 चम्मच रोज वाटर और 1 चम्मच बीटरूट जूस। बीटरूट जूस में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, इसे आपको खाना भी है और लगाना भी है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका ये हेल्दी सीरम बनकर रेडी हो चुका है। इसको आपको आपके पूरे फेस पर लगाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है और उसे ये सीरम में डीप करना है और उस टिश्यू पेपर को अपने फेस पर रखना है 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद फेस प्लेन वाटर से वॉश करना है और जो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं वो लगा लेना है। दैट्स इट। आप रिजल्ट देखकर खुश हो जाएंगे।
तो आप ट्राई कीजिए और बताइए आपको रिजल्ट कैसे लगे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा और आप उसका सबसे पहले लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।